नमस्कार दोस्तों, इस अध्याय में हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, आपने सही ही समझा, विद्युत जो कि हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं। विद्युत से बल्ब जलाए जाते हैं और कभी कभी जब नंगी तारों पर हमारे हाथ पड़ जाएं तो झटका भी लग जाता है। आइए देखते हैं कि विद्युत धारा और परिपथ ये क्या होता है। पर विद्युत धारा और परिपथ देखने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी दोस्तों, ये चीज है आवेश। आवेश को इंग्लिश में चार्ज भी कहते हैं। आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सभी आवेशी हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक आवेश और प्रोटॉन धनात्मक आवेश कहलाते हैं। जब ये आवेश प्रवाहित होने लगते हैं दोस्तों, तब हम उसे विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। और इन आवेशों को प्रवाहित होने के लिए कुछ चीजें होनी जरूरी हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे आवेश प्रवाहित होने लगे। इस दिए गए चित्र में दोस्तों, ये बैटरी आवेशों का एक स्रोत है जिसके अंदर अथाह आवेश जमा है। जब इस बैटरी को चालक के द्वारा जोड़ दिया जाता है, देखिए ये चालक है, एक बल्ब से जोड़ दिया गया है इस चालक को एक कुंजी से होते हुए, कुंजी अर्थात स्विच। ये स्विच जब ऑफ होगा तो इन दो चालकों के बीच में कनेक्शन जो है, जो इन दोनों को जोड़ने का पथ है वो खुल जाएगा जब ये स्विच ऑफ होगा। और जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये जुड़ जाएगा दोस्तों। तो ये स्विच ऑन ऑफ करने के काम में लाया जा सकता है। तो जब ऐसे परिपथ को ऑन कर दिया जाए, अर्थात स्विच इसका बंद कर दिया जाए, तो ये बल्ब जलने लगता है। और बल्ब इसलिए जलता है क्योंकि आवेशों का प्रवाह इस बैटरी से होता हुआ होने लगता है। उसी चित्र को यहां दूसरे तरीके से दिखाया गया है। ये बल्ब है दोस्तों, ये बैटरी है, और ये जो आप देख रहे हैं ये कुंजी है, केस जिसे दिखाया गया है, की जिसे कहते हैं। तो ये अगर बीच में एक बिंदु बना है, इसका मतलब है ये कुंजी बंद है। बंद अर्थात ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर अगर किसी ने बस ऐसा बनाया, बीच में एक बिंदु नहीं डाला, अर्थात ये कुंजी खुली हुई है और इन दोनों वायर्स के बीच में, इन दोनों तारों के बीच में कोई भी जोड़ या जुड़ाव नहीं है। ये जो आप यहाँ ए देख रहे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं एमीटर। एमीटर का काम होता है कि जो भी विद्युत धारा इस परिपथ से होती हुई गुजर रही है वो इसे दर्शाता है। तो अगर आपको इस एमीटर में कुछ वैल्यू दिखे, कुछ मान दिखे, तो इसका मतलब है कि उस परिपथ से होते हुए विद्युत धारा गुजर रही है। विभवांतर को गणितीय रूप से ऐसा भी लिखा जा सकता है कि यह किया गया कार्य बटे आवेश। किया गया कार्य को W से लिख रहे हैं दोस्तों और आवेश को Q से। तो अगर हम इनके यूनिट्स लिखें तो जूल पर कूलॉम हम विभवांतर का यूनिट बोलेंगे, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। आइए अब कुछ चिन्हों को समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला चिन्ह सेल कहलाता है, जबकि ये दूसरा चिन्ह बैटरी। सेल और बैटरी में यह डिफरेंस है, यह भिन्नता है कि सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, पर समानता यह है कि ये जो आप बड़ी लाइन देख रहे हैं ये हमेशा धनात्मक पार्ट को दिखाती है और ये छोटी लाइन ऋणात्मक। उसी तरह बैटरी में भी जो बड़ी लाइन है वो धनात्मक दिखाती है और छोटी लाइन ऋणात्मक भाग को सूचित करती है। यह तीसरा चिन्ह कुंजी है दोस्तों, पर यह कुंजी खुली हुई है, खुली कुंजी, अर्थात इस कुंजी से होता हुआ धारा, विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकता है, जबकि ये कुंजी बंद कुंजी है। यह चिन्ह दोस्तों यह दर्शा रहा है कि ये दो चालक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि यहां पर
यह दर्शाया जा रहा है कि ये चालक और ऊपर से आता हुआ ये चालक एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। यह चिन्ह बल्ब का है और बल्ब को हम ऐसा बना करके दिखा सकते हैं, जबकि सबसे आखिरी चिन्ह ये दोस्तों यह प्रतिरोध है, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस भी कहते हैं। दाएं हाथ में जो सबसे पहला चिन्ह आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भी प्रतिरोध ही है, परंतु इस प्रतिरोध का जो मान है वो बदला जा सकता है, अर्थात आप इस प्रतिरोध के मान को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो अगर इसे मैं यहां पे रख दूं तो इसका मान दूसरा हो जाएगा, यहां पे रख दूं तो इसका मान दूसरा हो जाएगा। हम आगे देखेंगे वो क्या है। जिस पे ए लिखा है दोस्तों वो एमीटर है, एमीटर हम पहले भी देख चुके हैं। एमीटर क्या बतलाता है? एमीटर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस परिपथ से वो बतलाता है, जबकि ये वी जिस पे लिखा है दोस्तों ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर यह बतलाता है कि दो बिंदुओं के बीच में कितना विभवांतर है, और ये बिंदु कहाँ होंगे? ये बिंदु होंगे उस परिपथ पे। तो एक परिपथ पे दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को दर्शाने के लिए और देखने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, जबकि उस परिपथ से कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसे देखने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं, एमीटर का उपयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं ओम का नियम क्या है। ओम का नियम दोस्तों एक बहुत ही मौलिक और महत्वपूर्ण नियम है। इसे समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक बैटरी को चालकों के माध्यम से एक बल्ब से जोड़ लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यह बैटरी 3 वोल्ट की है। बैटरी का जो यूनिट होता है, जो भी वोल्टेज देने वाला यंत्र है दोस्तों, उसका जो यूनिट होता है वो हमेशा हम वोल्ट में लिखते हैं। तो अगर किसी ने बोला कि V इज इक्वल टू V बराबर है 5 वोल्ट के या फिर 3 वोल्ट के, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि V और ये V एक दूसरे से कट जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप ऐसा मत समझिए। ये V उसका यूनिट बता रहा है और ये बोल रहा है कि ये इतने वोल्ट की बैटरी है, ये जो V बैटरी है वो इतने वोल्ट की है। चलिए फिर से अपने चित्र पे आ जाते हैं। इस बैटरी को जब हमने चालक के माध्यम से इस बल्ब से जोड़ दिया, तब इस चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, करंट, और इस विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर, जिसे ए भी लिखा जाता है। तो यह करंट जो आई है वो 1 एम्पियर भी हो सकता है, 2 एम्पियर भी हो सकता है, 0.5 एम्पियर भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि करंट को जब भी लिखें तो उसके आखिर में ए लगाएं, उसके यूनिट के रूप में। तो ये ए आपको बताएगा कि ये कितने एम्पियर करंट प्रवाहित हो रही है उस परिपथ से। और ये जो बल्ब है, यह बल्ब कुछ नहीं बल्कि एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध को R से लिखते हैं, R जिसे रेजिस्टेंस का एक शुरुआती अक्षर के रूप में देखा जा सकता है, और ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों, 10 ओम। यह जो चिन्ह मैंने बनाया है वो ओम का चिन्ह है, इसे ओम के नाम से जाना जाता है। 10 ओम, 20 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, 10,000 ओम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि इस जो हमने यह प्रयोग के लिए जो चित्र बनाया है, इसका उपयोग ओम के नियम को समझने के लिए कैसे किया जा सकता है। चलिए मैं पिछले चित्र को दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं, और इस बार चिन्हों के माध्यम से। तो आपको पता है यह बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस, ये चालक और ये प्रतिरोध आर, ये वोल्टेज देगा V और यहां से करंट अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होगी I। ओम एक वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों, उन्होंने भी एक ऐसा ही प्रयोग किया था, और उन्होंने क्या किया
कि बार बार इस बैटरी का मान बदला, अर्थात पहले उन्होंने 1 वोल्ट लगाया होगा, फिर 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, और उन्होंने इस विद्युत धारा को मापा कि जब वो वोल्टेज बदलते हैं तो विद्युत धारा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, बशर्ते कि यह प्रतिरोध समान रहे हर प्रयोग के लिए। तो जब उन्होंने ऐसा करके देखा, आप अपने स्कूल में भी यह प्रयोग कर सकते हैं, जब उन्होंने ऐसा करके देखा दोस्तों, तो उन्होंने पाया, यहां मैं V लिखता हूं, यहां मैं I लिखता हूं, और ऐसा हम मान लेते हैं कि उस R की वैल्यू 10 ओम होगी। तो जब उन्होंने ऐसा देखा, तो जब उन्होंने 1 वोल्ट रखा, तो जो करंट, जो विद्युत धारा उससे प्रवाहित हुई थी, वो 0.1 एम्पियर आई, ये वोल्ट में और वो एम्पियर में। जब उन्होंने इसको 2 वोल्ट किया, तो ये 0.2 एम्पियर आया। जब उन्होंने इसको 3 वोल्ट किया, तो ये 0.3 एम्पियर आया। और जब उन्होंने इसको 5 वोल्ट किया होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि ये 0.5 एम्पियर है। जब हम इस, ये जो टेबल मैंने यहां बनाया है दोस्तों, इसको ये V और ये I, ऐसा एक ग्राफ अगर हम बनाने की कोशिश करें, तो यह एक सीधी रेखा आएगी, जहां 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, और 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। तो ऐसे ऐसे आपको बिंदु मिलेंगे, जिन्हें आप जब मिलाएंगे, तो वो एक सीधी रेखा आएगी, जो कि इस 0, 0 जो ये बिंदु होता है ग्राफ में, उससे होके गुजरती है। मेरा जो ड्राइंग है दोस्तों, उतना अच्छा नहीं है, इसलिए ये रेखा आपको सीधी नहीं दिख रही है, पर ये एक बिल्कुल ही सीधी रेखा आएगी। तो उन्होंने यह पहचाना कि जब इस प्रतिरोध को कांस्टेंट रखा जाता है, कांस्टेंट अर्थात फिक्स कर दिया जाता है कि इसका मान बदलेगा नहीं, तो जब आप V को बढ़ाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते या घटाते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव इस करंट पे पड़ता है, इस विद्युत धारा पे पड़ता है। तो आप जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, और जब आप वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए एक अच्छा सा रेखा चित्र ढूंढ ही लिया, जिसमें एक सीधी रेखा दिखाई दे रही है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 वोल्ट देने पर 0.1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 2 वोल्ट देने पर 0.2 एम्पियर, 3 वोल्ट देने पर 0.3 एम्पियर, और इसी तरह आगे भी। और यह रेखा चित्र हमने कब बनाया है दोस्तों, जब प्रतिरोध का मान 10 ओम लिया था हमने। पर अगर हम प्रतिरोध का मान बदलेंगे, ऐसा चलिए मान लेते हैं कि प्रतिरोध का मान बढ़ा करके अगर हम बढ़ा देते, तो यह रेखा चित्र ऊपर की ओर मुड़ता, और अगर घटा देते तो ये रेखा चित्र नीचे की ओर मुड़ जाता, ऐसा। पर ध्यान देने वाली बात ये होती कि हर एक केस में, हर एक वक्त जो रेखा चित्र आप बनाएंगे, वो इस 0, 0 बिंदु से होकर ही गुजरेगा, जो कि एक बहुत साधारण से समझने की बात है कि 0, 0 से होकर वो हमेशा गुजरेगा, क्योंकि अगर आप वोल्टेज ही 0 रखते हैं परिपथ में, अर्थात कोई बैटरी ही नहीं जोड़ते हैं परिपथ से, तो कैसे उस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो इसीलिए वो जब वोल्टेज 0 है, तो करंट भी 0 ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ओम ने इसी रेखा चित्र का प्रयोग करके इसको गणितीय रूप देना चाहा, और जब उन्होंने ऐसा किया, तो उन्होंने पाया कि परिपथ में दिया गया वोल्टेज समानुपाती होता है परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा के, अर्थात जब आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो उन्होंने ये पाया। जब हम इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे, हम देखेंगे कि V बटे I, अर्थात दिया गया वोल्टेज बटे प्रवाहित करंट, एक नियतांक है, एक स्थिरांक है, अर्थात यह अनुपात कभी नहीं बदलता। इससे यही पता चलता है
कि जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है, जिससे कि यह जो मान है भी बटे आई का, वो एक नियतांक हो जाता है, वो एक स्थिरांक हो जाता है, जिसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। इसी नियतांक को दोस्तों रेजिस्टर नाम दिया गया, आर, जिसे हम प्रतिरोध कह रहे थे, तो इसी नियतांक को हमने आर से दिखा दिया। तो जब आप इस वी बाय आई अर्थात वी बटे आई इज इक्वल टू आर को लिखेंगे तो आप पाएंगे वी इज इक्वल टू आई आर, जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं अर्थात ओम का नियम कहते हैं। तो यही है दोस्तों ओम का नियम, जो कि बतलाता है कि वो अगर आप परिपथ में वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो करंट भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ जो प्रतिरोध का मान है, ये जो प्रतिरोध का मान है आर, यह एक कांस्टेंट है, यह एक स्थिरांक है, यह एक नियतांक है, यह कभी बदलेगा नहीं ओम के नियम के अनुसार। अगर आप इसको बदल देंगे तो ओम का नियम आप V इक्वल टू आई आर हर बार नहीं लगा सकते। खैर, इसे हम आगे और चर्चा करेंगे इस बात पे। यह चित्र एक बहुत ही अच्छे तरीके से ओम के नियम को दिखा रहा है, जहां ओम जो है इस एम्पियर को, जो इस छोटे से छेद से होने की जाने की कोशिश कर रहा है, और ओम जो है उस छेद को छोटा करने की कोशिश कर रहा है, अर्थात इसको जाने से रोक रहा है, और वहीं वोल्टेज इसको धक्का दे करके इस ओम द्वारा किए गए प्रतिरोध को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये एम्पियर उस पार जा सके। तो जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, इसका मतलब आप ज्यादा धक्का देंगे एम्पियर को, तो एम्पियर आसानी से जाएगा आगे की ओर, और बहुत ज्यादा एम्पियर आप डाल सकते हैं। जबकि अगर आप ओम को बढ़ाएंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रतिरोध पैदा करेगा और एम्पियर को आगे नहीं जाने देगा। तो दोस्तों, इस कक्षा में हमने सीखा कि आवेश क्या होते हैं, आवेशों से वोल्टेज कैसे बनता है, विद्युत धारा क्या होती है, परिपथ में हम क्या-क्या चीजें लगाएं कि परिपथ से एक विद्युत धारा प्रवाहित हो। उसके बाद हमने देखा कि ओम का नियम क्या है, जो कि एक बहुत ही मौलिक और महत्वपूर्ण नियम है। तो इतनी सारी चीजें सीखने के बाद हम इस कक्षा के अंत पड़ाव पे आ गए हैं, और यहां पर मैं एक चीज आपको फिर से बता दूं कि ओम का नियम बनाते वक्त जो प्रतिरोध का मान है उसे एक स्थिरांक माना गया, अर्थात ये समझा गया कि उस प्रतिरोध का जो मान है वो बदलेगा नहीं उस परिपथ में। परंतु जब प्रतिरोध का तापमान आप बढ़ाते या घटाते हैं, तब प्रतिरोध का जो मान है वो भी बढ़ घट सकता है। तो वैसे प्रश्नों को हम अगली कक्षा में देखेंगे कि उसे कैसे हम हल कर सकते हैं, कैसे यह पता लगा सकते हैं कि कितना तापमान होने पर प्रतिरोध का मान कितना होगा। और उसके अलावा हम अगली कक्षा में ये भी देखेंगे कि अलग-अलग प्रतिरोधों को एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, और बहुत सारे प्रतिरोधों के समूह का एक मान हम कैसे निकाले कि इनके बदले कितना एक ही प्रतिरोध अगर हमें लगाना हो तो वो कितने मान का प्रतिरोध हम लगाएंगे। तो ऐसी चीजों पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे दोस्तों। इस कक्षा में इतना ही। नमस्कार।